SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये किसी भी ब्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने एक काफी अच्छा ब्लॉग बना लिया है लेकिन आपने उसका SEO अच्छे से नहीं किया है तो आपको उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे से SEO ना होने की वजह से वो गूगल में रैंक नहीं करेगा और उससे आपको ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो इससे आपकी कमाई भी काफी कम होगी। अपने ब्लॉग से ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको उस पर ज्यादा ट्रैफिक लाना होगा और ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए आपको उसका SEO अच्छे से करना होगा। एक ब्लॉग में आपको दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एक है कंटेंट, यानी अपने ब्लॉग पर आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो ऑडियंस के लिए यूजफुल होना चाहिए, उससे किसी का कोई फायदा होना चाहिए। और दूसरे SEO, यानी जब भी आप कोई पोस्ट पब्लिश करें तो उसका आपको अच्छे से SEO करना है। उसमें आपको इमेज थंबनेल ऐड करनी है, SEO फ्रेंडली टैग्स लिखना है, अच्छे से टैग्स लगाने हैं। तो इन दो चीजों का आपको अपने ब्लॉग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। SEO के लिए कौन सा प्लगइन यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने ब्लॉग का SEO करने के लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, तो इसके लिए हम प्लगइन्स में आएंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। SEO के लिए काफी सारे प्लगइन्स मार्केट में अवेलेबल है लेकिन हम यहाँ पर Yoast यूज करेंगे, तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा SEO। आपके सामने काफी सारे SEO आ जाएंगे लेकिन इसमें दो सबसे ज्यादा फेमस है, एक है Yoast SEO और एक है रैंक मैथ SEO। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं Yoast SEO यूज करूंगा, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके बाद एक्टिवेट करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, तो इसके लिए आप स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट SEO डेटा ऑप्टिमाइजेशन, इसके बाद कंटिन्यू। आपकी वेबसाइट का नेम आ जाएगा, नीचे आप यूजर नेम चूज कर लेंगे और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का एक लोगो अपलोड कर देंगे, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अगर आप चाहें तो अपने सोशल प्रोफाइल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, विकिपीडिया, ट्विटर, इसके बाद कंटिन्यू। इसको आप नो रखेंगे, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद विजिट योर SEO डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। Yoast SEO फ्री प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, इसमें भी आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें आपको XML साइट मैप भी मिलता है, ये भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको एक प्रीमियम वर्जन भी मिलता है, तो अगर आपको अपने ब्लॉग का SEO और अच्छे से करना है तो आप प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं प्रीमियम वर्सेस फ्री में आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलेंगे। तो प्रीमियम में आपको काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। मैं यहाँ प्रीमियम वर्जन ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। इसका प्राइस है $99 पर ईयर। अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 8000 रुपीस के आसपास होता है, तो 8000 रुपीस पर ईयर आपको इसके लिए पे करना होगा। डोंट वरी, आपको ये बाय करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बाय कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जब आप अपने ब्लॉग से पैसे कमाने लगेंगे तो आप खुद से भी इसको बाय कर सकते हैं। ईशान मॉनिटर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसका प्रीमियम वर्जन आप अपने ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। इसको बाय करने के लिए यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। पेमेंट आप अपने पेपल या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, जैसे कि मुझे पेपल से करना है तो मैं पेपल सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद प्रोसीड टू पेपल, अपना पेपल ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर लॉग इन करेंगे। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 8466 रुपीस मुझे पे करना होगा, तो मैंने अपना डेबिट कार्ड पेपल के साथ लिंक किया हुआ है। कंप्लीट परचेज पर क्लिक करेंगे एंड सक्सेसफुली ये परचेज हो चुका है, तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। बाद में किसी भी टाइम आप अपने Yoast SEO प्रोफाइल में जाकर डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम प्रीमियम वर्जन को इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए प्लगइन में जाएंगे, एड न्यू पर क्लिक करेंगे, इसमें यहाँ अपलोड प्लगइन पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड करके इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, यही फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यही फाइल मिल जाएगी। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे, इसके बाद इंस्टॉल नाउ, ये प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। आप एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेंगे, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाएगी और अब आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप फीचर्स पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंडेक्स नाउ, इसको आप ऑन कर देंगे, इसके बाद सेव, तो इससे आपका ब्लॉग गूगल सर्च में इंडेक्स हो जाएगा। यानी जब भी कोई गूगल में आपकी वेबसाइट आपके ब्लॉग का नेम डालकर सर्च करेगा तो उसके सामने आपका ब्लॉग आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक SEO प्लगइन इंस्टॉल
इंस्टॉल करके उसको सेटअप कर लेना है। इसके बाद जब भी आप कोई पोस्ट या पेज पब्लिश करेंगे तो उसमें इस प्लगइन का यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ब्लॉग पोस्ट लिखना सीखेंगे तो उसमें हम योस्ट एसईओ प्लगइन के थ्रू अपनी पोस्ट का एसईओ कैसे करेंगे वो भी हम उसी पोस्ट में लाइव देखेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।